इधर सिद्ध मशीनों से आज़ाद हो गए चुपचाप बेड पर बैठकर सोचता रहता है। तब तक यह साकर कहता है, हेलो मिस्टर सिद्ध, IAACP सिद्धार्थ खुराना, चलो घर चलो अब। सिद्ध, नहीं यस, अभी नहीं। अरे भाई मेरे घर चल, माना कि कोई नहीं है पर तू रह जाना। सिद्ध मुस्कुराने लगता है और दोनों यस के घर के लिए निकल जाती हैं। दोनों घर जाकर चेंज करते हैं। यस खाना बनाने चला जाता है। सिद्ध फ्रेश होकर आता है तो यस के फ़ोन से अपने घर पर फ़ोन लगाता है। हेलो, कौन बोल रहा है? सिद्ध, चुप। अभी बोलिए भी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सिद्ध कुछ नहीं बोलता है। अभी देखिए, आपके पास इतना टाइम होगा, मेरे पास नहीं है, मुझे बहुत काम है। जब आपके गले में आवाज़ आ जाए तब फिर कॉल करना। अभी फ़ोन रख कर चला जाता है। सिद्ध मोबाइल को अपने सीने से लगाकर, कितना गंभीर हो गया है मेरा बच्चा, इतनी गंभीर बातें, इतनी गहरी आवाज़, कहाँ खो गई हमारे बेटे की आवाज़ की खनक। खुद से ही मुझे बात करनी है अब मेरे बेटे से। फिर से फ़ोन करता है तो सारू वहीं से गुजरती हैं, तो वो फ़ोन उठा लेती हैं। हेलो, सिद्ध सारू की आवाज़ सुनता है तो उसकी आँखों में आंसू की नदियाँ बहने लगती हैं। हेलो, अरे कुछ तो बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कौन बोल रहा है? सिद्ध एकदम शांत रहकर आंखें बंद करके सारू की आवाज़ को महसूस करता है। सारू को सांसों की आवाज़ आती है तो कुछ सोचकर उसकी आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। दिल की धड़कन बढ़ जाती है। मिस्टर खुराना, आप है ना, आप ही बोल रहे हैं ना? खुदा के वास्ते कुछ तो बोलिए। सिद्ध तुरंत फ़ोन कट कर देता है। सारू फिर से कॉल करती है और खुद से बोलती है, ये आप ही थे मिस्टर खुराना, मुझे पता है, मैं फील कर सकती हूँ, ये आप ही थे। सिद्ध फ़ोन ले जाकर यस को देकर कहता है, बात कर, पता ना चले कि मैंने बात की थी, प्लीज़ संभाल लेना, और चला जाता है। उधर से कॉल आने पर सारू, हेलो मिस्टर खुराना, मुझे पता है, ये आप ही हैं, कुछ तो बोलिए। यस की आँख भर आती है। वो मन में सोचता है, मतलब भाभी सच भी तेरी मौजूदगी को महसूस कर लेती हैं क्या? मेरी बीवी भी ऐसी ही होगी, ज़रूर होगी, क्यों नहीं होगी, आखिर है तो तेरे परिवार से ही ना। यस, हेलो भाभी, मैं हूँ यस, आवाज़ नहीं जा रही है। सारू, मतलब मिस्टर खुराना आपके पास है? यस, नहीं भाभी, देखिए प्लीज़ आप झूठ मत बोलिए, इतने दिनों में मैंने उनकी मौजूदगी पहली बार महसूस की है, वो ज़रूर आपके पहले फ़ोन पर थे। भाभी, आप उनका इंतज़ार करती हैं ना, शायद इसलिए आपको महसूस हुआ हो, मम्मी से बात करनी थी। अच्छा, मैं बुलाती हूँ। यस, बाबू का फ़ोन आया है। अंकिता जी, हेलो दामाद जी, और बताइए कैसे हैं? यस, ठीक हूँ माँ, आप बताइए कैसी हैं? अंकिता जी, मैं ठीक हूँ, मैं सोच रही थी इस बार खुशी आती है तो आप दोनों की सगाई कर देते हैं, फिर अगली बार आएगी तो शादी भी करवा देंगे। सारू को यकीन था तो हम भी सिद्ध का इंतज़ार करते थे, लेकिन अब लगता है मेरा बेटा नहीं आएगा, लेकिन यकीन तो मुझे भी है कि मेरा बेटा जिंदा है, माँ हूँ ना, महसूस कर लेती हूँ। माँ, जैसा आपको ठीक लगे। खुशी जी से बात की, वो क्या कह रही हैं? अंकिता जी, अभी उससे बात करनी है, फिर आपके घर पर भी तो करनी है। यस, मम्मी पापा भी यही बोल रहे थे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। अब जब आप कह रही हैं तो मैं बोल दूँगा, वो जाकर बात कर लेंगे। आप नहीं आएंगे? आपसे मिले भी बहुत दिन हो गए, एक बार आते तो हम सब आपको भी देख लेती। ठीक है माँ, मैं भी आ जाऊँगा। अच्छा, मैं रखता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। जी माँ, प्रणाम, सदा खुश रहिए। उधर सारू अपने कमरे में आकर, इतने साल में मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, आज क्यों हुआ फिर? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जी झूठ बोल रहे हों? लेकिन वो क्यों झूठ बोलेंगी, उनको भी तो पता है कि हम सबमिस्टर खुराना का कितना इंतज़ार कर रहे हैं। शायद मैं ज़्यादा सोच रही इसलिए ऐसा लगा हो, लेकिन मुझे सच का पता भी लगाना होगा। शाम में सब हॉल में बैठे रहते हैं। अंकिता जी, यस बाबू से बात होगी, वो सगाई के लिए तैयार हैं। सूरज जी, खुशी से बात हुई? अंकिता जी, अभी नहीं, वो नहीं मानेगी। सूरज जी, सारिका बहू, आप बात कीजिएगा। सारू जी, पापा, लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो क्यों नहीं मानेंगे? मेरा मतलब है, कोई और वजह है
प्यार करती है ना, वो आप लोगों से ही बताया था। अंकिता जी, वो कहती है जब तक भाई नहीं लौटेंगे वो शादी नहीं करेगी। सारू, ये कैसी जिद है। अंकिता जी, तुम्हारा यकीन ही सबकी जिद बन गया है। सारू, माँ वो मेरा यकीन है, लेकिन इसका क्या मतलब, इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा, रुकना मुझे है, उनके इंतज़ार में कोई और क्यों रुकेगा। समीर, तुम भी क्यों रुकोगी, आगे बढ़ो ना, तुमने अभी को देखा है, बच्चा है बेचारा, और जिम्मेदारी देखी है तुमने, कैसे निभाता है। वो कहता है 6 महीने हो गए, तुमने उससे ठीक से बात नहीं की। तुम याद करके बताना जरा कि तुमने अपने बेटे की माँ बनकर कब बात की। बात करती है, रुकना है, रुक कर क्या कर लोगे तुम, और अगर शुद्ध लौटेगा भी तो वो तुम्हें, ऐसे देख कर खुश होगा क्या, और अपने बेटे को ऐसे देख कर उसका बचपन छीनने के लिए तुम्हें माफ कर पाएगा। सारू समीर की तरफ देख कर कमरे में चली जाती है, उसके पीछे ही बानी भी चली जाती है। तुम्हें बताओ बानी, मैं क्या करूँ, उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या, आई संभालें अपने परिवार को। माना मैंने अपने बेटे की माँ बनकर बात नहीं की, क्योंकि सारू तो सिद्ध के साथ ही चली गई, एक लाख कितना बात करती है। बानी, मैं समझ सकती हूँ मीरा, संभालो खुद को, अपने बेटे के लिए ही सही बनो तुम मीरा, को अपने अंदर जान, शरीर देखा है अपना, बस हड्डियों का ढांचा लग रही हो। अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि खाना पीना छोड़कर दुनिया से चली जाओगी तो सुनो, सुकून से नहीं जा पाओगी, अपने बच्चे की कर्जदार मत बनो, तुम्हें अब मीरा बनना होगा। सिद्ध लौटा भी तो तुम्हें मीरा की तरह ही देख कर खुश हो, माना कि तुम टूट चुकी हो और उससे ज़्यादा नहीं टूटी हो। जब तुम सब कुछ छोड़कर गई थी तब तो तुम्हें भी यही नहीं पता था कि सिद्ध प्यार करता है या नफरत। अब तो तुम जानती हो कि वो तुमसे प्यार करते हैं, शायद बेपनाह प्यार करते हों, ताकि तुम्हें देख कर सब भी हंसी, चाहे वो हंसी दिखावे की ही क्यों ना हो। खुश रहो, जिसे देख कर सब शायद खुश हो सकें, चाहे वो खुशी झूठी ही क्यों ना हो। अभी को संभालो मीरा, ऐसा ना हो कि वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते मजबूत बनते बनते पत्थर दिल बन जाए। अपने बेटे के लिए ही सही बदलो खुद को, क्योंकि अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगी तो वो कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि सबका जन्म से नाता है तुमसे बाद में बना। तो तुम रुक गई हो तो उस माँ से कैसी उम्मीद कर सकती हो, जिसे अपने खून से उसके शरीर का कतरा कतरा सींचा, उस बाप से कैसी उम्मीद कर सकती हो, जिसने अपना कंधा तोड़ा, उस बहन से कैसे उम्मीद कर सकती हो, जिसने अपने पूरे बचपन को उसकी गोद में बिताया। अंकल आंटी, खुशी प्रीति दी भी यहाँ तक कि वहीं रुक गई है, छोड़ दो बेकार की जिद, अपने परिवार के लिए ही सही अब आगे बढ़ो, सजाओ अपने चेहरे पर वही मोहनी मुस्कान, दो अपने बेटे को वही प्यार, लाओ अपनी आवाज़ में वही मिठास। अब तो मौका भी मिला है, उठो अब जिम्मेदारी, अपने परिवार की बहू होने का भी सब नहीं जानती, मैं जानती हूँ कि एक बेटी की सारी जिम्मेदारी तुमने उठा दी है, लेकिन एक बहू की जिम्मेदारी का क्या, अब दोनों जिम्मेदारी तुमको ही निभानी है, तो अब शुरुआत करो खुशी को मनाने से। सारू मुस्कुराकर, शायद तुम सही कह रही हो बानी, एक बेटी की जिम्मेदारी उठाते उठाते एक बहू और एक माँ की जिम्मेदारी भूल गई थी। थैंक्स यार, अब भले ही मैं कितनी भी टूटी क्यों ना रहूँ, कोई भी महसूस नहीं कर पाएगा, मैं बनूँगी वही समीरा, सिद्धार्थ पुराना। बानी आँख मुठका कर कहती है, तो अब खुशी को फ़ोन करें। सारू हंस कर, अभी लगाती हूँ, बानी स्पीकर पर करना। सारू खुशी को फ़ोन करती है, हेलो खुशी। सारू, क्या कर रही है मेरी नंदरानी। खुशी, कुछ नहीं भाभी, बस लेटी थी, अभी कॉलेज से आई हूँ। सारू, अच्छा जी, तो यश जी को याद किया जा रहा है लेट कर। खुशी, भाभी क्या बोल रही हूँ, आप कुछ नशा कर ली हो क्या। सारू, बात मत बदलिए, हमको पता है, अभी दूरी ये बेचैनी, हाय सही नहीं जा रही। खुशी हंसती हुई, क्या बात है भाभी, आप मजाक करने लगी, फिर अचानक से रो देती है। खुशी, आपका ये लुक देखने के लिए तरस गए थे हम भाभी, दिल कर रहा है दौड़ के आकर आपको गले लगा ली, आज आपने इतने दिन बाद पहली बार ऐसे बात की।
सारू देखिए ननद रानी, ये थोड़ा रोना रोना बहुत हुआ, अब खुशियों को सेलिब्रेट करने का मौका है। क्या हम आपको थोड़ा सा खुश होने का मौका नहीं देंगे? खुशी बोलिए ना भाभी, आपके चेहरे की मुस्कान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सारू हम इस माहौल को बदलना चाहते हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगी? खुशी जी भाभी आप बताइए तो सही, हम भी चाहते हैं कि सिर्फ पहले जैसा हो जाए। जो खो दिया वो तो लेकिन गया, लेकिन जो है उसे संभाल कर रखा जाए। हम अपने परिवार की खुशी, आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सारू आप इस चीज़ से सगाई कर ले, सगाई के लिए हाँ कर दीजिए। खुशी ये आप क्या बोल रही हो भाभी? सारू क्यों आपको यह चीज़ पसंद नहीं है क्या? खुशी है लेकिन। सारू क्या आप उनसे प्यार नहीं करती? करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन डर लगता है प्यार से, सब एक जैसे नहीं होते। खुशी और गलत आपके भैया भी नहीं थे, बस हालात की वजह से गलत बन गए, बस हालात गलत थे। यस बहुत अच्छे हैं, समझ है उनमें, मैच्योरिटी दिखती है उनमें, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या आप नहीं यकीन कर पा रही हैं उनके ऊपर? खुशी यकीन तो बहुत है भाभी, क्या आपको भैया के ऊपर नहीं था? था बहुत था, लेकिन हर चीज़ को उनके सामने गलत तरीके से लाया गया तो उनको यकीन करना पड़ा कि मैं गलत हूँ। मुझे नाराज़गी इस बात से नहीं है कि उन्होंने मुझ पर शक किया, बल्कि इस बात से थी कि उन्होंने मुझसे इस बारे में बात क्यों नहीं की। एक रिश्ता तभी बना रहता है जब शक या गलत फहमियों को आपस में बात करके सुलझाया जाए। उनसे जो कहा गया, जैसा दिखाया गया, उन्होंने यकीन किया। एक बार हमको भी मौका देना तो चाहिए था ना अपनी बात कहने का। जब मैंने कहना शुरू किया तो उन्होंने दुनिया छोड़ने का फैसला कर लिया। हमेशा हर फैसला उनका ही क्यों होता है, हम भी तो कुछ है ना। अगर उनके फैसले से मेरी ज़िंदगी भी इफेक्ट होती है तो उन्हें मेरे से बात करते ही फैसला लेना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं है। उन्होंने सराय की बात पर यही बोला कि आपसे पूछा गया है, अगर आप भी तैयार हो तो अपने घर पर बात करें। ये दो शब्द साफ साफ जाहिर कहते हैं कि वो अपने हर फैसले में आपके मत को जानने की कोशिश करेंगे। आपने हर राज का हमराज आपको बनाएंगे। अगर आपके भैया ही हमको हमराज बना लेते तो हमारे बीच ही दूरियाँ कभी आती ही नहीं, क्योंकि प्यार तो हम दोनों को ही बेशुमार था और भरोसा भी था, लेकिन फैसले बस अपने अपने थे। खुशी आप चाहती हैं कि मैं हाँ कर दूँ? सारू मेरे चाहने ना चाहने का कोई मतलब नहीं है, अगर आपका दिल उन्हें अपना हमसफर के रूप में एक्सेप्ट करता है तो आप हाँ कर दीजिए, नहीं तो उनसे भी फ़ोन करके नहीं कर दीजिए, ताकि वो आपके सामने आपके सपने ना देखें और मम्मी पापा से भी। किसी की ज़िंदगी में जाना नहीं है तो उसे और उम्मीद मत दीजिए। मैंने उनकी आंखों में आपके लिए बेशुमार प्यार और इज्जत देखी है। आप सोच लीजिए फिर बता दीजिएगा, क्योंकि उनको भी अपने घर पर बात करना है। खुशी जी भाभी मैं कल सुबह तक बता दूंगी। ठीक है नंदन रानी, सोच लीजिए, रखते हैं, बाय बाय। बानी सब कितना उलझ गया है, तुम्हारा रिश्ता क्या उलझ गया, सबको प्यार शब्द से ही डर लगने लगा। सारू हाँ, क्योंकि हमारी लव मैरिज थी ना, 11 साल का प्यार था जो शादी के बाद मुकम्मल होना था, शादी भी हुई, मुकम्मल होते होते नहीं हुआ। चंद लोगों के नफरत में हम दोनों को दूर करवा दिया। छोड़ो अब इन सब बातों को, अब हम अपने बेटे से मिलते हैं। कहाँ है वो, होगा कहाँ बैठा होगा, बाहर बांध में छोड़ने पर सोच रहा होगा कुछ। सारू चलो चलते हैं। बानी मैं नहीं, तुम जाओ, इस वक्त उसे अपनी माँ की ज़रूरत है। तुम वक्त बिताओ और देखो क्या कुछ हो गया है उससे। सारू जाकर देखती है तो अभी झूले पर लेटा होता है, उसकी कूनी उसके सर पर होती है, दोनों पैर एक के ऊपर एक चढ़ाकर रखता है, जिसे हमेशा ही सिद्ध सोता था। एक पल को तो सारू भी ठहर जाती है जैसे कि सिद्ध हो। सारू जाकर उसके पैर के पास बैठ जाती है। सारू सामने देखते हुए क्या हुआ, सिर दुख रहा है क्या अभी? अरे मम्मी आपका भाई कोई काम था, मुझे बुलानी होती।
कारू अभी की तरफ देख कर, क्यों मैं नहीं आ सकती क्या अपने बेटे के पास? अभी बेटा शब्द सुनकर रो देता है। पूरे 6 महीने बाद उसकी माँ ने उसे बेटा कहा था, लेकिन वो आंसू नहीं गिरने देता है। सारू, जब मन भारी हो रहा हो, बहुत रोने का मन हो रहा हो, तो किसी अपने को गले लगाकर आंसू निकाल देना चाहिए। दिल हल्का हो जाएगा और अच्छा फील होगा। मैं नहीं चाहती मेरा बेटा पत्थर बने, वो मोम ही ठीक है। नफरत होने लगेगी मुझसे, आंसू रुकेगा तो। मैं इतनी मजबूत नहीं कि अपने बेटे की आँख में भी नफरत देख सकूँ। अभी तुरंत ही सारू को गले लगाकर रोने लगता है। क्या बोल रही हो मम्मा, आपसे तो क्या, मैं कभी भी किसी से भी नफरत नहीं कर सकता। मैं आपका बेटा हूँ, आपके संस्कार ही मेरे अंदर खून बनकर दौड़ रहा है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, लेकिन आप पहले जैसी बन जाओ, बहुत दुखता है यार। आपको ऐसे देख कर अपने सीने को पॉइंट करके कहता है। मम्मा, मामा सही कहते हैं, आप ही कहते थे ना उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन उसी उम्मीद पर बस रहना गलत बात है। किसी के लिए जीना अच्छी बात है, लेकिन किसी के लिए जीना छोड़ देना गलत बात है। आप ही भूल गई, आपने उनको 6 महीने से भी ज़्यादा टाइम बाद बेटा बोला है। सारू, सॉरी बेटा, मैं खुद की जिम्मेदारी में आपको भूल ही गई, लेकिन अब नहीं भूलूँगी। बस आप मेरे लिए नटखट से अभी बन जाइए, ऐसे अच्छी नहीं लगती। तुम्हारी मुस्कुराहट ही अब मेरी ताकत है, तो दिल से अब हमेशा मुस्कुराएंगे ना। अभी मैं पहले जैसा बन जाऊँगा माँ, बस आप भी बन जाना। सारू, ओके डन, आप मेरी सुनो, मैं आपकी सुनती हूँ, चलो खेलते हैं। अभी एक सिर हिला देता है, क्योंकि आज सब खेलेंगे, सबको बुला कर लाता हूँ। सारू, हाँ सियोर। अभी एक सबको बुला कर लाता है, फिर सब खूब मस्ती करते हैं। छुपा छुपी, पकड़म पकड़ाई, एक दूसरे के ऊपर पानी डालना। सूरज जी और अंकिता जी वहीं झूले पर बैठे देख कर खुश होते हैं। फिर जब सब भीग जाते हैं तो अंकिता जी सबको बुलाकर तौलिया पकड़ाती हैं और अपने अपने कमरे में चेंज करने जाने को कहती हैं। थोड़ी थोड़ी सबके कान भी पकड़ती हैं भीगने के लिए। सब चेंज करने चले जाते हैं। सारू बदल कर नीचे आती है तो देखती है अंकिता जी किचन में है, तो जाकर उनका हाथ पकड़ कर खींचते हुए सोफे पर बैठा कर कहती है, अब बैठो, आज से किचन में आपका जाना बंद, अब खाना हम बनाएंगे। फिर किचन में चली जाती है। फिर वाणी और प्रीति भी चली जाती हैं। फिर खूब ढेर सारा पकवान बनाकर सब आज बहुत दिन बाद एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अंकिता जी की आंख भर आती है तो सारू, नहीं माँ, अब नहीं, बहुत रो गई, अब नहीं रोना है। अंकिता जी भी सिर हिला देती हैं। सब किचन साफ करने के बाद सबके साथ कुछ देर बैठ कर बात करते हैं, फिर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। आज अभी की शरारतें देख कर भी सबके चेहरे पर एक सुकून आता है। खुशी काफ़ी देर सोचने के बाद यश से बात करके सोचते हुए सो जाती है। यश की बातों से ऐसा नहीं लगता था कि उसे बहुत जल्दी है शादी की। शायद वो खुशी को वक्त देना चाहता था कि वो खुद से ही हाँ करे बिना किसी दबाव के। सुबह सब उठते हैं तो देखते हैं सारू नाश्ता बनाकर रख दी है। सब नाश्ता की टेबल पर आकर बैठते हैं कि तभी अंकिता जी का फ़ोन बजता है। अंकिता जी, क्या बात है, आज मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन किया है। खुशी, प्रणाम माँ। अंकिता जी, खुश रहो बेटा, और बताओ कैसी हो। खुशी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अंकिता जी, हम भी ठीक हैं, कब हो रही है तुम्हारी छुट्टी। खुशी, अगले हफ्ते आ रही हूँ माँ। अंकिता जी, हम सोच रहे थे तुम्हारी सगाई कर दे। नहीं, अगर तुम तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सगाई करके छोड़ देते हैं अपनी पढ़ाई के बाद, शादी तो करना है, तो बस सगाई नहीं मतलब। खुशी, इतना डर क्यों रही है माँ, जैसा आपको ठीक लगे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अंकिता जी, क्या तुम सच कह रही हो बेटा। खुशी, हाँ माँ। अच्छा माँ, मैं अब कॉलेज जा रही हूँ, शाम में बात करूँगी, भाभी को बोल देना अब सब ठीक हो जाएगा। अंकिता जी, हाँ बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा, जाओ। फ़ोन कट जाता है। सब बहुत खुशी होते हैं कि खुशी मान गई। सब सारू को धन्यवाद देते हैं। सगाई की डेट अगले हफ्ते में ही रख दी जाती है, क्योंकि खुशी की बस एक वीक की ही छुट्टी होती है। यश के घर वाले उसके घर आ जाते हैं।
सभी सिद्ध को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। यश उन लोगों को अच्छे से समझा देता है कि सिद्ध को ये ना बताएं कि सफाई सिद्ध की बहन से ही हो रही है, वहीं जाना है वरना वो नहीं जाएगा। सिद्ध अपनी फैमिली का सामना करने से डर रहा है, उसे लगता है सब उससे नफरत करेंगे। बहुत मुश्किल से बनाया है यहाँ से बाहर जाने के लिए। धीरे धीरे सगाई का दिन भी आ जाता है। सारू बेटे के जैसे सारे घर की जिम्मेदारी निभाती है। सारू की मांग में सिंदूर देखकर लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन सारू को कोई फर्क नहीं पड़ता है इन सब बातों से। शाम का वक्त होता है। आज सिद्ध ठीक वैसे ही तैयार होता है जैसे कि वो सारू से मिलने से पहले होता है। दिल में अजीब सी खुशी, बेचैनी और धड़कन में अजीब सी लहर, जैसे कि आज कितनी खुशी का दिन हो। सब सगाई के लिए निकल जाते हैं। सिद्ध सफ़ेद शर्ट, काला पैंट और कोट में बहुत जच रहा था। आज भी उसे कोई लड़की देख ली तो अपना दिल हार जाए। कहने को तो एक बच्चे का बाप है, लेकिन पर्सनालिटी आज भी हजार लड़कियों के दिल पर राज करने वाली ही थी। करीने से सिद्ध की हुई काली हल्की दाढ़ी, कुछ होती हुई मुझे चंद्रमा बनाती हुई आईब्रो, गोरा दमकता चेहरा, हल्के बड़े सीधे और स्मूथ बाल जो लहराते हैं तो ऐसा लगता है कि जिस समंदर की लहर हो। ऊपर से उसका वो बालों में हाथ फेरने का स्टाइल सब तो पहले जैसा था, बदला क्या था। गहरी काली आंखें, पतले पतले गुलाबी होंठ, लंबी सी गर्दन और उसके कान के पास का वो दिल जिसे देखकर सारू बार बार अपना दिल हार जाती थी, और अब तो वो दिल एकदम क्लियर दिखता था। वजह उसका रंग और सफ़ेद हो गया था, शायद सूर्य महाराज के दर्शन ना होने की वजह से। और हमारे यश बाबू, उनका तो पूछना ही नहीं है, डार्क पर्पल रंग की शेरवानी उनके रंग को और ही निखार दे रही थी। कॉलेज के दिन से लेकर आज तक मिलने वाली लगभग हर लड़की के दिल में थोड़ी सी ही सही जगह वो ले ही लेती थी। जो ना देखना चाहे उसकी भी नजरें बगावत कर ही देती थी। करीने से सजाया हुआ बाल, बड़ी बड़ी आँखें, उस पर बड़ी बड़ी पलकें, और उन आँखों में सिर्फ और सिर्फ खुशी की परछाई और उसके लिए भी इम्तिहान प्यार। सब लोग द्वार पर आते हैं। सिद्ध की धड़कनों का शोर इतना कि क्या ही बताएं। कुछ यही हाल हमारे सारू का ही था। आज संयोग कहिए या प्यार की, आज हमारी सारू भी सफ़ेद साड़ी विद ब्लैक बॉर्डर पहनी थी। मेकअप तो ज़्यादा नहीं था क्योंकि उसे पसंद भी नहीं था और वक्त भी नहीं मिला। उस पर भरी हुई मांग, गले में मंगलसूत्र, लाल लिपस्टिक, आंखों में काजल खूब जच रही थी वो। अपने लंबे बालों को हाफ चोटी बनाकर पीछे की तरफ लटकाए थे। अरे भाई, उनके बेटे को पसंद था ये हाफ हेयर स्टाइल। अभी को अपनी मम्मा का बाल अच्छा लगता था जब वो हाफ चोटी बनाती थी। अभी तो एकदम सिद्ध का कॉपी बना था। इस वक्त एकदम सिद्ध जैसा ही दिख रहा था, जैसे छोटा सिद्ध हो। उसे ऐसे देख सबकी आंखें भर आई। इतने काम के बीच उसकी मम्मा सबकी और वो अपनी मम्मा का ध्यान रखना नहीं भूलता था। स्वागत करने के लिए सब आगे आते हैं तो सिद्ध को देखकर सबकी आंखें भर आती हैं। सिद्ध भी सबको देखकर चौंक जाता है। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था ये उसका ही घर है, क्योंकि सब लोग घर बदल लिए रहते हैं। हाँ, उसे उसकी धड़कनें सारू की उपस्थिति का आभास करवा रही थी, लेकिन वो इग्नोर कर रहा था। लेकिन ये क्या, यहाँ तो सब हैं लेकिन यश की सगाई किससे है? हाँ, यश ने कहा था, मैं जानता हूँ उसे, वो मेरे अपने जैसी ही है। लेकिन तभी उसकी नज़र सामने दुल्हन की सजी हुई खुशी पर पड़ती है जो बेजान सी खड़ी होती है। असल में आज यश उसको कहता है कि द्वार पर वो भी आए, उसे नहीं आता कैसे आएगी, लेकिन आए, उसके लिए सरप्राइज है। अंकिता जी दौड़कर सिद्ध को गले लगाकर रोने लगती हैं, लेकिन सिद्ध का सारा ध्यान बस खुशी पर होता है। उसकी छोटी सी गुड़िया आज दुल्हन के रूप में, उसको अपनी सभी वादे याद आने लगते हैं। तेरी शादी में ये करूँगा वो करूँगी, मेरी बहन की शादी ऐसे होगी कि पूरा शहर देखेगा। हाँ, उसने नहीं की, लेकिन तैयारी हुई तो ऐसी ही थी कि सब देखकर हैरान थे।
सारू को तो काटो तो खून जैसे नहीं होने वाली हरकत हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो हंसी या रोए सिद्ध अंकिता जी से छूट कर खुशी के पास जाती हैं। खुशी, पास बताना मेरी कौन हो तुम, मैं नहीं जानती तुम्हें। सब खुशी को देख कर चौंक जाते हैं। सिद्ध, मैं तेरा भाई हूँ गुड़िया, तू मुझे भूल गई। खुशी, मेरा कोई भाई नहीं है, अब मर गया मेरा भाई। मेरा भाई और भाभी बस एक ही इंसान है, और वो है समीरा सिद्धार्थ खुराना, जो वक्त आने पर सिद्धार्थ खुराना भी बनती है, और समीरा भी। मैं आपको नहीं जानती, चले जाइए आप यहाँ से। आपके सारे वादे कसमें सब झूठी थी, आप भी झूठे थे। आपको पता है भाभी को क्या क्या सहना पड़ा, कैसी हो गई थी वो, तिल तिल कर मर रही थी। सिद्ध रोने लगता है और वो जाकर खुशी को गले लगा लेता है। दोनों भाई बहन रोने लगते हैं। सिद्ध आगे खोलता है तो सामने सारू और बगल में अभीक खड़ा दिखता है। सिद्ध उसकी तरफ बढ़ता है तो सारू ना में सर हिलाते हुए पीछे हटने लगती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती है, जो भाग जाती है और छत पर जाकर बेतहाशा और बहुत तेज तेज से रोने लगती है। अभीक एक नज़र भी सिद्ध को नहीं देखता। वो तुरंत अपनी माँ के पीछे मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए भागने लगता है, लेकिन सारू को नहीं पता। वो बेतहाशा रोते हुए ढूंढने लगता है। वाणी छत पर आकर सारू को समझाती है कि जितने सिक्के गिले हैं बाद में कर लेना, अभी खुशी की सगाई कर लेते हैं। सिद्ध सबसे माफ़ी मांगता है, सब माफ़ कर देते हैं, बस प्रीति और खुशी को छोड़कर। वो कहती हैं कि आप गुनहगार भाभी के हो और सबसे ज़्यादा अभीक के, अगर वो माफ़ कर देंगे तो हम सब भी कह देंगे। सगाई संपन्न होती है। अभीक आज सारू के भागने से डर जाता है। उसकी माँ को खो देने का डर उसकी आंखों में देखा जा सकता था। वो सारू का पल्लू पकड़ कर ही पूरी सगाई में रहता है। सारू उसको बहुत समझाती है, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता और कोशिश करता है कि सिद्ध सारू के सामने ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी आंखों में उस रात वाला हादसा घर कर गया था। वो आज भी यही सोचता है कि सिद्ध को देखकर कहीं माँ चोट ना पहुँचा ले। सारू भी कहीं ना कहीं उसका डर समझ रही थी, इसलिए वो भी उसे एक मिनट के लिए खुद की आंखों से दूर नहीं करती, या यूं कहीं कि उसकी आंखों के सामने रहती थी। सगाई खत्म होती है। खुशी और यश को कुछ वक्त साथ बिताने के लिए सारू छत पर लाकर छोड़ देती है। खुशी को छत पर छोड़ने के बाद सारू नीचे आ जाती है। वो अभीक को कमरे में ले जाकर सुला देती है। उससे वादा करती है कि वो कुछ गलत नहीं करेगी, अब सब ठीक हो जाएगा। अभीक सो जाता है तो सारू कपड़े बदलती है, सूट और सलवार पहन कर नीचे आती है और सोचती है अब सारा सफाई कर दूँ। वो बाहर जाती है तो देखती है कि सारे काम सिद्ध खुर करवा रहा है। ये देखकर वो वहीं पास में पड़े झूले पर बैठ जाती है। सिद्ध आकर वहीं कुर्सी पर बैठकर सारू को ध्यान से देखने लगता है। उसके चेहरे पर आने वाली सिकन को देखकर वो समझ जाता है कि वो किसी गहरी सोच में डूबी है, इसलिए शायद उसे सिद्ध के होने का एहसास नहीं हुआ। वो इस पल को अपनी आंखों में ही कैद कर लेना चाहता था, क्योंकि उठने के बाद तो सारू शायद उसे देखने का हक भी छीन लेती। तभी अचानक से सारू अपनी सोच से बाहर आती है। सिद्ध उसे देखकर हड़बड़ा जाता है। सारू की नज़र सिद्ध पर पड़ती है तो उसकी नज़रें सिद्ध के चेहरे पर ही जम जाती हैं। आखिर सारू की आंखों ने भी एक लंबा इंतजार जो किया था। फिर अचानक से सारू को होश आता है। वो खड़ी होकर सिद्ध की तरफ जाने लगती है तो सिद्ध हड़बड़ा कर खड़ा हो जाता है। सारू जाकर उससे गले लगा लेती है। सिद्ध का तो दिल जोरों से धड़क रहा है। वो अपनी बाहों की गिरफ्त में लेना चाहता है, लेकिन उसका दिमाग जैसे काम ही नहीं करता है। वो अपने हाथ को उठा ही नहीं पाता है। लगभग 2 मिनट तक गले लगने के और रोने के बाद सारू सिद्ध को छोड़कर बिना उसकी तरफ देखे घर के अंदर आ जाती है। सिद्ध को कुछ समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ है। थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालता है और बाकी के काम करवाने लगता है। सारू घर में आकर अंदर की चीज़ों को सही करने लगती है। देखते ही देखते 12 बज जाता है तो वो एक बार सभी रूम को चेक करती है। मेहमानों को कोई परेशानी तो नहीं है ना। वो फ्रिज में पानी भर कर रखती है ताकि ठंडा हो जाए, और दूध गर्म करके रखती है।
फिर कमरे में आ जाती है। इधर छत पर खुशी और यश झूले पर बैठकर काफ़ी टाइम तक बात करते हैं। बातों ही बातों में यश बताता है कि उसे सिद्ध कैसे मिला और वो घर वालों को क्यों नहीं बताया कि सिद्ध जिंदा है। काफ़ी बात करने के बाद दोनों नीचे आ जाते हैं। यश अपने कमरे में जाकर सो जाता है और खुशी अपने कमरे में आ जाती है जहाँ प्रीति पहले से सो रही थी। सारू भी आकर लेट जाती है कि तभी सिद्ध अंदर आता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए तो वहीं हॉल में सोफे पर बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि सब उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं। असल में यश पहले ही सबको बता देता है कि कोई भी सवाल नहीं करेगा क्योंकि सिद्ध सवालों से डरता है और खुद को सबका गुनहगार मानता है कि उसकी वजह से सबको इतनी परेशानी हुई। उससे उसके दिमाग पर असर पड़ेगा जो कि ठीक नहीं है। अभी वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था तो उसे किसी भी तरह की टेंशन से पूरी तरह आज़ाद रहना होगा। सारू चाहती है सिद्ध से अच्छे से बात करना लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। एक झिझक सी आ गई थी उसके अंदर। तभी सारू की नींद खुलती है। वो बाहर आकर देखती है कि सिद्ध सोफे पर ही सो रहा है तो वो आकर सामने खड़ी हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि कैसे उठाई कि तभी सिद्ध की आँख खुल जाती है। सिद्ध सामने सारू को देख कर खड़ा हो जाता है। कमरे बहुत हैं घर में, यहाँ सोने की ज़रूरत क्या है? सिद्ध, मुझे नहीं पता था कि मेरा कमरा कौन सा है। सारू, किसी भी कमरे में चले जाना चाहिए था। सिद्ध, मुझे मेरा कमरा चाहिए जहाँ मेरी बीवी और बच्चे हैं। सारू, क्यों, अब बीवी और बच्चों के बिना नींद नहीं आएगी क्या? इतने दिन कैसे आती थी? सिद्ध, नहीं, बात नींद की नहीं, नफ़रत या नाराज़गी की है। मेरी बीवी ने गले लगाया तो नफ़रत का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वो जिससे नफ़रत करती है उसके होने ना होने से उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो गले लगाने से ये सिद्ध हो गया है कि ये नफ़रत नहीं नाराज़गी है। तो मुझे अपनी बीवी को मनाना है जिसके लिए दूरी नहीं करीबी ज़रूरी है। तो अब आप बताएंगी कि हमारा कमरा किधर है? वो क्या है ना, हमारी कमर अकड़ गई है, मैं सोफे पर नहीं सो सकता। सारू का दिल जोरों से धड़क जाता है। उसका हक से बीवी बोलना सारू को बहुत अच्छा लगता है। बोलता तो वो पहले भी था लेकिन आज बात करने का अंदाज कुछ अलग था। सारू, बहुत सारे कमरे हैं, वहाँ सो जाइए, मेरे कमरे में सिर्फ मेरा बेटा और मैं सोती हूँ। सिद्ध मन में जानता हूँ सिर्फ जुबान से बोल रही हूँ, आँखों की भाषा अब समझो सिद्ध बाबू, क्योंकि ये समीरा मैडम है, बिखर जाएंगी लेकिन दिखाएंगी नहीं। सिद्ध, ये घर होता या महल, कमरे बहुत हों या एक, मुझे बस मेरी बीवी के कमरे में अपने बच्चे के सामने रहना है तो है। अब आप ले चलेंगी तो ठीक, नहीं तो हमें हर कमरा चेक करना पड़ेगा और यहाँ सब मेहमान सोए हैं तो ऑफकोर्स उन्हें बुरा लगेगा अगर कोई उनको सोए हुए परेशान करे तो। सारू मन में अजीब जिद है। इतने दिन बाद याद आई कि बीवी और बच्चे भी हैं और कैसे बेशर्म जैसी बातें कर रहे हैं। सिद्ध, क्या पता सोने में कपड़े कहाँ कहाँ रहते हैं, तो शायद ये आपको अच्छा भी ना। सारू, बस बस सो गया, अब आइए। सारू सिद्ध को अपने कमरे में ले आती है। अभीक को देखकर सिद्ध की आंखें भर आती है। वो अभीक का माथा चूम लेता है। सिद्ध, जानम कपड़े निकाल दो ना, हमको बदलना है। सारू आंखें फाड़ कर सिद्ध को देखने लगती है। सिद्ध, आंख क्यों दिखा रही हैं आप मल्लिका, ये दिल निकाल दीजिए ना। वो क्या है ना, इन कपड़ों में सोना कंफर्टेबल नहीं है ना जान। सारू अब भी आंखें फाड़े देखती है। असल में सिद्ध के बोलने के ढंग को देखकर सारू सौग्न हो जाती है। सिद्ध उसके करीब जाकर उसके हाथ पर अपनी उंगली से छूते हुए कहता है, कपड़े निकाल के रखिए, हम नहाकर आते हैं। सारू उससे दूर हो जाती है। सिद्ध बाथरूम में चला जाता है और नहाकर तौलिया लपेट कर बाहर आता है। सिद्ध, बीवी मेरे कपड़े देखता है तो सारू बालों को आगे करके झाड़ रही थी। सिद्ध के बोलने से उसकी तरह अचानक से मुड़ती है। वो सिद्ध को ऐसे देखकर अचकचा जाती है और तुरंत पीछे मुड़ जाती है। ऐसा नहीं था कि वो सिद्ध को ऐसे नहीं देखी थी लेकिन आज सिद्ध को ऐसे देखना
उसे अजीब सा एहसास करवा रहा था जिससे उसे शर्म आ रही थी। सिद्ध उसके करीब आ जाता है और उसकी खाली पीठ पर अपनी उंगली फिराने लगता है। जानता हूँ मुझे बिना कपड़े के देखना आपको अच्छा लगता है, लेकिन अब हमारा बेटा भी है तो थोड़ा तो। सारू मुड़कर सिद्ध के मुंह पर अपने हाथ रख देती है और आंखें बड़ी करके देखने लगती है। उसके पीछे मुड़ने से सारू का एक हाथ सिद्ध के सीने पर चला जाता है जिससे सिद्ध की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। सारू, कुछ ज़्यादा नहीं बोला जा रहा है। मैंने ऐसा कब बोला कि आप बिना कपड़े के? जाकर उसकी अलमारी से उसके लिए सफ़ेद टी शर्ट और लोअर निकाल देती है। सिद्ध अभी भी खड़ा अपनी बढ़ी हुई धड़कन को शांत करने की कोशिश करता है। सारू, कपड़े। सारू के हटने के बाद सिद्ध कपड़े लेकर चेंज कर लेता है और जाकर बेड पर लेट जाता है। सारू आकर काउच पर लेट जाती है। सिद्ध देखकर, हेलो वहाँ कौन बोला है सोने को? इधर सोनिया, जहाँ बहुत जगह बहुत है। सारू कुछ नहीं बोलती। सिद्ध, वाइफी यहाँ आकर सोइए। सारू अब भी कुछ नहीं बोलती तो सिद्ध उठ कर जाता है और सारू को गोद में उठा लेता है। सारू एकदम से शॉक्ड हो जाती है। सारू, किसने कहा उठाने को? ज़्यादा शौक है तो जिम रूम में जाकर बेट उठाइए जाइए। सिद्ध, सारे बेट से भारी तो आप ही हैं, सच में कितना वजन हो गया है आपने, कितना खाती थी आप? सारू सिद्ध के सीने पर हल्के से मार देती है। सिद्ध, आउच, क्या कर रही हैं वाइफी? ले जाकर सुला देता है और अपने आकर सो जाता है। बीच में अभीक सोया रहता है। थोड़ी देर बाद अभीक की नींद खुलती है तो अपने सामने अपनी मम्मा को देखकर वो मुस्कुरा देता है और दूसरी तरफ मुँह करता है तो अपने पापा को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वो उठकर सारू के बगल में जाकर सो जाता है। जब अभीक सारू और सिद्ध के एक पास कर देता है, सुबह सिद्ध की आंखें खुलती है तो देखता है सारू उसे पकड़कर उसके सीने से लगी हुई बेखौफ सो रही है। आज उसके चेहरे पर दुनिया जहान का सुकून देखा जा सकता था। सिद्ध कुछ देर उसे देखता है, फिर उसके माथे को चूम कर कहता है, अब मैं आ गया हूँ जान, अब आपको बेइम्तिहा प्यार करना है और अपने परिवार को संभाल कर रखना है। अब आपको इतना प्यार दूंगा कि बीते दिन आपकी जहन में एक बार भी नहीं आएंगे। अब इतना तो जान गया कि आप अपनी ज़ुबान से जो कहती हैं वो बस ज़ुबान की भाषा है, आपकी आंखें ही आपके दिल का हाल बयां करती हैं। अब बस आपकी आंखों की भाषा को भी अपनी ज़ुबान पर लाना है। जो आपकी आंखें कहती हैं वही ज़ुबान भी कहे, इसके लिए बहुत प्यार करना है। तेरा हर पहलू अपने साथ करके रिश्ते में इतना प्यार भरना है तो हर पहर मेरे लिए ही तरसे, तुझको बेकरार इतना करना है। सिद्ध उठकर बाहर आकर बैठ जाता है। तभी सामने उसकी निगाह जाती है तो दादी की फ़ोटो दिखती है जिस पर माला चढ़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अंकिता जी आती हैं। सिद्ध उठकर उनको प्रणाम करता है। अंकिता जी, तू तब तक जिम कर ले, मैं फ्रूट और जूस बना देती हूँ। सिद्ध उनकी तरफ देखता है, उनकी आंखें भरी होती हैं और लाल भी, शायद वो रात में बहुत रोई थी। अब उस माँ की आंखों में आंसू तो होंगे ही जो इतने दिन बाद अपनी बेटी की जी भर के देखने का मौका पाई है और उससे नाराज़गी भी नहीं जता सकती है। अंकिता जी, क्या देख रहे हो? जाओ, कमरा ऊपर है, फ्रेश होकर आओ, तब तक बैठकर बातें करेंगे। कल सब इतना उलझ गया था कि तुमसे बात करने का वक्त ही नहीं मिला। असल में अंकिता जी कई बार आती हैं तो सिद्ध कुछ ना कुछ करते हुए दिखता है और जब वो लास्ट बार आती हैं तो सिद्ध सारू एक दूसरे को बात कर रहे होते हैं। फिर सिद्ध सारू के साथ कमरे में जा रहा होता है तब अंकिता जी सिद्ध के चेहरे पर मुस्कान देखती हैं जो सारू से बात करते समय सिद्ध के चेहरे पर होती है, तो वो रोना बंद करती हैं। रोने को तो सब ही रोते हैं इस रात भी, लेकिन एक दूसरे से छुप छुप कर क्या प्रीति, क्या खुशी और क्या सारू या सूरज जी, मानी समीर सबकी आंखों में ही आंसू होते हैं। लेकिन खुशी के और वो पल जो वो दूर रहकर बिताए उसका दुख याद करके भी तो रोना आता है ना। सिद्ध उठकर ऊपर कमरे में जाता है।
जहाँ उसकी जिम का सारा सामान पड़ा हुआ था। हाँ, बंद था कमरा, लेकिन कुछ चीज़ें साफ सुथरी भी थी, जिसे कोई यूज कर रहा हो। सिद्ध अपनी योगा करने लगता है, तभी अभीक आता है। वो सिद्ध को देख कर रुक जाता है, सिद्ध की बॉडी देखने लगता है। तभी सिद्ध की नज़र उस पर जाती है, सिद्ध उसकी तरफ बढ़ जाता है। अभी वो मैं कसरत करने आया था। सिद्ध, हाँ तो आओ ना बेटा, करो ना। अभी, जी थैंक्स, आप कर लीजिए, मैं थोड़ी देर बात कर लूँगा। सिद्ध उसे पकड़ लेता है। नाराज हो? अभी धीमी आवाज़ में, नहीं मैं क्यों नाराज़ रहूँगा। सिद्ध उसे अपने गले लगा लेता है और रोने लगता है। तभी सारू कमरे में बोलते हुए, अभी बेटा ये जूस, और दोनों को देख कर रुक जाती है। दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। सारू मुस्कुरा कर, अरे आप भी यही हैं, मैं आपके लिए भी लाती हूँ। अभी बेटा आप पापा के साथ कसरत करो, मैं आपके पापा के लिए भी लाती हूँ। अभी एक टक अपनी मम्मी को देखता है, फिर उसके मन से सारी कड़वाहट खत्म हो जाती है। अपनी मम्मी की मुस्कान देख कर, अभी जी मम्मा चलिए पापा। पापा सब सिद्ध को बेइंतहा खुशी का एहसास करवा रहे थे, लेकिन सारू का अचानक से बदला व्यवहार सिद्ध को कुछ समझ नहीं आता। इतना तो वो जान गया था कि ये मुस्कुराहट और ये बातें दिल से नहीं निकली हैं। सारू नीचे चली जाती हैं और बेटे बाप बेटे कसरत करने लगते हैं। सारू जूस और फ्रूट लेकर आती है तो देखती है सिद्ध साइकिलिंग कर रहा है और अभी रनिंग मशीन पर दौड़ता रहता है। सारू जूस और फ्रूट लेकर रख देती है। सारू, अभी जूस पी लेना, यही रखा है। अभी, जी मम्मा। और फिर सिद्ध को तो कभी सारू को देखने लगता है। सारू अभी के मन को भांप लेती है। सारू सुनिए, सिद्ध का दिल जोरों से धड़क जाता है। वो जानता है कि सारू उससे अच्छे से बात बस अभी को दिखाने के लिए कर रही है, लेकिन फिर भी ये सुनिए शब्द उसके दिल में गुदगुदा रहे थे। सिद्ध सारू की तरफ देखने लगता है। सारू जूस पी लीजिएगा, भूलिएगा मत, नाश्ता तैयार है, फिर सोकर नीचे आ जाइएगा। अभी के साथ सिद्ध हामी भर देता है। सारू नीचे चली जाती है। सारू मन में, बहुत मुश्किल है मिस्टर को लाना, ये अनदेखी दूरियाँ मिटाना, चाहत बेसुमार है आपके लिए दिल में, लेकिन ना जाने क्यों एक झिझक सी आ गई है हमारे रिश्ते में। हमने बच्चे के लिए हम आपसे प्यार का नाटक तो कर ले रहे हैं, लेकिन हमारा दिल और दिमाग साथ नहीं दे रहा है। पल पल लड़ रहे हैं हम अपने जज्बातों से, चाहते हैं सब कुछ भूल कर आगे बढ़ना, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी नहीं हो पा रहा है हमसे। अभी और से जो दोनों नाश्ता करने आते हैं, सीढ़ियों से उतरता देख सब मुस्कुरा लेते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की परछाई लग रहे थे। पीली टी शर्ट और काले लोअर में दोनों ही बाप बेटी एक दूसरे का अक्स लग रहे थे। दोनों आकर नाश्ता करने लगते हैं। अंकिता जी, सारू बेटा तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना है क्या? सारू, नहीं माँ, 10 दिन की छुट्टी ले ली है, थोड़ा रेस्ट करना भी जरूरी है। अंदर से बहुत थकान लग रही थी, फिर सोचा कुछ वक्त सबके साथ बिता लूँ, पता नहीं अब सब लोग कब मिलेंगे। मानी, हाँ ये तुमने सही सोचा, वैसे भी हम दोनों कल जा रहे हैं। सारू, कल क्यों, कुछ दिन और रुको ना। बानी, नहीं मीरा, अब कितना दिन रुकें, ऑलरेडी बहुत दिन हो चुका है, इनको भी तो हॉस्पिटल ज्वाइन करना है। समीर, 2 दिन और रुक जाओ यार, वैसे भी हम लोग को टाइम नहीं दे पाए थे, थोड़ा मस्ती करेंगे अभी। ओ मम्मा, आप झूठ में टेंशन ले रही हैं, मेरे दोस्त कहीं नहीं जा रहे हैं, वो यही रहेंगे 2 दिन और, रोकना हम दोनों का काम है। क्यों पापा? सिद्ध हड़बड़ा जाता है। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर शांत होकर सबको बारी बारी देखने लगता है, सब मुस्कुरा देते हैं। वानी, अच्छा ठीक है, अब हम 2 दिन बाद ही जाएंगे। सबको सो जाते हैं। प्रीति कुछ सोच रही होती है, तभी सारू दी, अब आप अपनी प्लानिंग अगर बनाई है तो कैंसिल कर दीजिए, कम से कम 15 दिन के लिए। अजय, हाय हाय भाभी, इतने दिन आप मेरी बीवी को मुझसे दूर रखेंगी? सारू, जी नहीं जमाई बाबू, आप भी रुकेंगी? सिद्ध, हाँ जीजू, मेरे साथ भी कोई चाहिए ना, आप भी रुक रहे हैं? अजय, साले साहब, अब आपने बोल दिया तो मानना ही पड़ेगा। खुशी,
क्यों ना हम सब कहीं घूमने चली 2 दिन के लिए। वानी, वैसे आइडिया अच्छा है। सारू, लेकिन कहाँ जाएंगे? समीर, गोरखनाथ चली? वानी, ये कहाँ है? सिद्ध, गोरखपुर में बहुत खूबसूरत जगह हैं। दीपी, फिर चलते हैं। अंकिता जी, तुम सब जाओ, हम नहीं जाने वाले कहीं। वैसे भी सगाई के बाद हम थक गए हैं। सूरज जी, हाँ बच्चों, तुम लोग जाओ। काफ़ी कहने के बाद भी वो लोग तैयार नहीं होते तो बच्चा पार्टी शाम को निकलने की प्लानिंग कर लेते हैं। सिद्ध होटल में 3 रूम बुक कर देता है, सब कमरे में आ जाते हैं। सिद्ध को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था कि सारू बहुत ही ज़्यादा उलझन में है, इसलिए वो हॉस्पिटल से छुट्टी ले ली है, कहीं कोई गलती ना कर दे। सिद्ध खुद से, अब मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हारी हर उलझन की लकीरें छोटी पड़ जाएंगी। तुम बस मेरे प्यार को महसूस करो, मैं हर वो दूरी मिटा दूंगा जो हमारे दरमियाँ आ गई हैं। अब मैं खुद भी खुद से पहले जैसा प्यार करने पर मजबूर कर दूंगा। सारू रूम में आती है और जाकर लेट जाती है। अभी कमरे में आता है लेकिन अपने मम्मी पापा को देखकर वो अपनी दादी के पास चला जाता है। सिद्ध आकर दरवाज़ा बंद करता है और सारू को शोल्डर मसाज देने लगता है। सारू खड़ी हो जाती है। सारू, मैं ठीक हूँ। सिद्ध, लेकिन मैं नहीं हूँ। सारू, क्या हुआ, कोई परेशानी है? सिद्ध, हाँ, मेरा कंधा दर्द कर रहा है और सिर भी। सारू, आप बैठिए, मैं तेल लगा देती हूँ। सिद्ध, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सारू, पूछ नहीं, बोल रही हूँ, बैठिए। सिद्ध बैठ जाता है। सारू तेल लगाने लगती है। सिद्ध उनकी उंगलियों की छुअन को आँख बंद करके महसूस करने लगता है। अचानक से सिद्ध सारू की उंगलियों को पकड़ लेता है और खड़ा होकर सोफे के पीछे जाकर उसे गोद में उठा लेता है। सारू, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए। सिद्ध, उठाया हूँ, ले जा रहा हूँ कहीं। सारू, छोड़िए मुझे, मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़िए। सिद्ध, चुप, कितना बोलने लगी तुम। सारू, आंखें दिखाकर, छोड़िए। सिद्ध, शांत होगी तुम। सारू, नहीं, जोर जोर से छोड़िए छोड़िए बोलने लगती है। सिद्ध घबरा कर उसे चुप करवाने के लिए उसे खड़ा करके उसके मुंह को अपने दांतों के बीच दबा देता है। सारू एकदम से शांत हो जाती है। सिद्ध सारू को शिद्दत से किस करने लगता है। ये पहली बार था जब सिद्ध पूरे होश हवास में सारू को किस करता है। वो अपने प्यार की छाप सारू के होठों से लेकर आंखों से होते हुए गाल कंधे तक आ जाता है। सारू मदहोश सी अपनी आंखें बंद करनी होती है। उसकी बंद आंखों में आंसू आने लगते हैं। सिद्ध सारू को दोनों हाथों में अपनी उंगलियों को फंसा कर दीवार से लगाया होता है। सारू चाह कर भी उसकी गिरफ्त से नहीं छूट पाती है। तभी सिद्ध को अचानक से होश आता है। उनको अचानक से अपने कंधे पर पानी गिरने का एहसास होता है। वो सारू को छोड़कर बिना उसकी तरफ देखे सीधे बालकनी में चला जाता है। सारू अपने बढ़ी हुई धड़कन को शांत करने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि मन इतना बेचैन क्यों है, उसकी आंखों में आंसू क्यों गिर रहे हैं। ये पहली बार तो नहीं था जब सिद्ध ने उसे छुआ था, फिर ये क्या है? सिद्ध बालकनी में खड़ा खुद को ब्लेम कर रहा था। उसे समझ नहीं आता उसने ऐसा क्यों किया, सब सही करने के बजाय वो सब बिगाड़ रहा है। अब सारू क्या सोचेगी कि मुझे बस उसे शरीर की चाह, ये मैंने क्या किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी हमारे रिश्ते की डोर को बहुत मजबूत करना होगा। सिद्ध की आँख भरा जाती है, वो रोने ही लगता है। जब उसे सारू के आंसुओं से भीगा चेहरा याद आता है तो सिद्ध को समझ नहीं आता कि सारू ने रोना क्यों नहीं। शायद वो भी अपनी झिझक मिटाना चाहती हो, लेकिन ऐसे ये तो कोई तरीका नहीं है। नहीं, सिद्ध तुझे सारू के दामन को छुए बिना उसके दिल में फिर से दस्तक देनी है, ये बहुत मुश्किल की उसके अंदर विश्वास जगाना, लेकिन तुझे करना होगा। करीब जा, लेकिन अपने प्यार की तपन से उसे पिघला, उसे छुए बिना ही उसे अपने प्यार का एहसास करवा। सारू बालकनी में आती है तो देखती है सिद्ध झूले पर लेटा है। उसने अपने चेहरे को अपने हाथ से ढक रखा है, लेकिन सारू समझ जाती है कि सिद्ध रो रहा है। सारू झूले पर बैठ जाती है। सारू, अगर इतनी ही गिल्ट हो रही है तो फिर एक ही कमरे में रहने का क्या मतलब,
दूर दूर ही रहना ठीक है, ये पहली बार तो नहीं था जब आपने मुझे छुआ है, फिर ऐसा क्यों? सिद्ध वैसे ही हाथ रखे हुए, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों था सारू? इसकी वजह तो मुझे भी नहीं पता सिद्ध, तुम्हें रोका क्यों नहीं सारू? रोकती कैसे, ये हक तो मैंने बहुत साल पहले ही दे दिया था, हक दे दिया था तो छीनती कैसे? हक है आपका तो रोकती कैसे सिद्ध? मन में तुम कोई वस्तु तो नहीं जिस पर अपना हक समझ जाए सिद्ध? मैंने भी हक दिया था, तुम अपनी स्वीकृति दो सारू। अपनी मांगी ही नहीं सिद्ध, इसी बात का तो गिल्ट है सारू। कुछ साल पहले भी आपने नहीं मांगी थी सिद्ध, यही तो परेशानी है कि मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, या शायद समझ ही नहीं पाया। मुझे जुबान की भाषा समझ आती है, तुम आँखों से दिल की बात बोलती हो, तुम्हारी जुबान वो कहती है जो तुम्हारे दिल में कभी था ही नहीं सारू। मुझे तो आपकी आँखों की भाषा समझ आती है, शायद आप दिल में नहीं रखते मुझे सिद्ध। समझ आती तो ये भी आता कि मैं अब शिद्दत से चाहता हूँ तुम्हें, मेरा दिल बस तुम्हारे लिए धड़कता है, सांसें बस तुमको देख कर ही आती हैं, सुकून की नींद तुम्हारी ही गोद में बस मिलता है। माँ के बाद बस एक तुम ही हो जिसे मुझे मेरी पूरी दुनिया दिखती है सारू। बस कहने की बातें हैं, अब मुझे आँखों की भाषा समझ नहीं आती है, ना ही चेहरा पहचान में आता है। यहाँ एक इंसान भी हजार नकाब में घूम रहा है, कैसे पहचाने कोई कि कौन सा चेहरा असली है? वैसे भी यहाँ रियलिटी से ज़्यादा दिखावे की कीमत है। आपने शादी किया क्योंकि आपकी जिद थी, मैं कोई प्यार नहीं था बस जुनून था, मुझे अपना बनाने का जुनून। मैंने आपसे शादी की क्योंकि मैं आपके अंदर ही अपनी पूरी दुनिया देखती थी। सिद्ध अपने चेहरे से हाथ हटा देता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता सारू? सारू छोड़िए ये सब बातें, चलिए बताइए क्या पैक करना है, हम पैक कर देते हैं। शरीर पर अधिकार दिखाना बहुत आसान है, दिल पर कोई अधिकार करे तो जाने। शरीर से प्यार करना जितना आसान है, रूह से करना उतना ही मुश्किल। शरीर से प्यार निभाना जितना आसान है, रूह से उतना ही मुश्किल। सच्ची मोहब्बत तो वो है जो रूह को छू ले। सारू उठकर चली जाती है। सही कहा तुमने, अब तुम्हारे दामन को नहीं रूह को ही छूना है। अगर यही मेरे प्रेम का प्रमाण है तो यही सही। सिद्ध भी कमरे में आ जाता है। सारू सिद्ध के कपड़े रखने के लिए निकालने लगती है, सुध तो सिद्ध सारू के बैग में पैक किया हुआ कपड़ा निकाल देता है। देखता है तो सारू बस साड़ी रखी होती है। अब सिद्ध उसकी अलमारी खोलता है, ऊपर वाले रैक से कपड़ा निकालता है जो सिद्ध ने खरीदे थे। सारू उन कपड़ों को अब हाथ भी नहीं लगाती थी, वो हल्के रंग की साड़ी हल्का मेकअप में ही रहती थी और वही सब रखी हुई थी। सिद्ध उसमें से लाल रंग की साड़ी निकालता है। सिद्ध इसका सेट निकालिए, सारू निकाल देती है। सिद्ध अभीर के कपड़े में से भी लाल शर्ट और काला जीन्स निकाल के रख देता है। सिद्ध मेरा लाल शर्ट और ब्लैक वाला जीन्स निकालिए, सारू निकाल देती है। अब सिद्ध सारू की नीली फ्रॉक सूट निकालता है जो आसमानी के साथ कंबाइन होता है, अपना भी आसमानी शर्ट और नीली पैंट विद ब्लू ब्लेजर निकालता है। अभी के पास ये सेट नहीं होता तो फोन में फोटो लेकर दुकान वाले को सेंड कर देता है। इसी तरह चार सेट कपड़े देखने रहते हैं जिसमें जीन्स कुर्ता होता है, सबका सेम कलर कॉम्बिनेशन ही होता है और जिसका नहीं मैच खाता सिद्ध फोटो सेंड कर देता है। दुकान वाले सब पैक करवा कर भेज देते हैं। सिद्ध सारू की नाइटी और मिडी भी रख देता है और अपने लिए भी सफ़ेद कुर्ता और पैंट रख देता है। सिद्ध शर्म तो नहीं आएगी ना मेरे सामने पहनने में? सारू मिडी हटा कर लोअर और टी शर्ट रख देती है। सारू बेटा भी साथ में है तो कुछ दायरे रखे जाएँ पहनावे में तो वही सही होगा। सिद्ध मुस्कुराकर हामी भर देता है। सारू आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए तब तक। सिद्ध आप भी कीजिए तब, आप ज़्यादा थकी होंगी। सारू ये क्या आप लगा रखा है? सिद्ध सारू को पीछे से पकड़ कर उसके कान के पास धीरे से वो क्या है न जान, अब अपने मालिक से इज्जत से बात करनी ही पड़ेगी।
सारू का दिल झंझना उठता है, मतलब सिद्ध अब अपने दिल के मालिक को इज्जत नहीं देंगी तो क्या पता दिल ही लेके चली जाए तो। सारू के चेहरे पर अनायासी मुस्कान आ जाती है। सिद्ध उसके कंधे पर सिर रख कर, जान चलिए ना, हमें सुला दीजिए, आपकी गोद में सिर रख कर सोना है। सारू जान शब्द सुनकर शर्मा जाती है। सारू, आपको नहीं लगता ये वक्त और ये बात आपको माँ से करनी चाहिए? सिद्ध चौंक पर, क्या जान? सारू हंसकर, नहीं नहीं जान नहीं, गोद में सुलाने को जाइए, उनको अच्छा लगेगा। सिद्ध, गया था लेकिन डैड साथ में थे तो मैं आ गया। ठीक है फिर से जाता हूँ। सिद्ध जाता है लेकिन अंकिता जी और सूरज जी सो रहे होते हैं तो वो आ जाता है। सिद्ध की जिद करने पर सारू उसका सिर अपनी गोद में लेके उसके बाल में हाथ फिराने लगती है। सिद्ध तो नहीं सोता है लेकिन उससे पहले सारू सो जाती है तो सिद्ध उसे लिटा कर खुद भी उसे देखते देखते सो जाता है। सारू की नींद खुलती है तो देखती है सिद्ध उसे अपनी गिरफ्त में लिए है जैसे कोई छोटे बच्चे को लेकर सोता हो। उसका इतने प्यार से पकड़ना और चेहरे का सुकून देखकर कोई भी बता सकता था कि अब उसे सारू की कितनी परवाह है और सारू से कितना प्यार है। लेकिन सारू इतनी जल्दी मानना नहीं चाहती थी क्योंकि वो इस बात का एहसास करवाना चाहती थी कि वो सारू को कितना प्यार करता है। उसे डर था अगर वो जल्दी मान जाए तो क्या पता किसी बात पर सिद्ध फिर से वही कदम उठाए। सारू के दिल में कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई थी कि अगर वो फिर से अपने प्यार और परवाह को सिद्ध को दिखाने लगी तो क्या पता सिद्ध फिर ना छोड़ दे। सारू सिद्ध को भी ये एहसास करवाना चाहती थी कि पति पत्नी का रिश्ता इतना नाजुक नहीं है जो छोटी छोटी सख से टूट जाए। ये अटूट बंधन है जो विश्वास प्यार और उम्मीद पर टिकी है। हम बस एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये प्यार हमारी दुनिया बस एक दूसरे से हैं। हम प्यार एक दूसरे के दिल की धड़कन को भी समझ लेंगे। हम एक दूसरे से कुछ नहीं पूछेंगे। हम एक दूसरे की अनकही बातों के पीछे की वजह समझने की कोशिश करेंगे। ये उम्मीद कोई हमारे बीच नहीं आ सकता, ये विश्वास। सारू उठ के नीचे आ जाती है। 3 बज जाते हैं तो वो सबको जगाती है, तैयार होने लगती है। सारू अभी को रेडी करती है। इतने दिन बाद अभीर अपनी मम्मा को खुद तो तैयार करते देख रो देता है। सारू उसकी तरफ देख कर नामे से हिलाती है फिर गले लगा लेती है। सारू अब सिद्ध को जगाती है। सब तैयार होकर शाम तक निकल जाते हैं। आज की ये कहानी बस यहीं तक। मिलती हूँ इस कहानी के अगले हिस्से के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रोज़ कहती हूँ आप लोगों से प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग हमारी कहानियाँ देखते हैं सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस कहानी का कोई भी भाग आप लोगों से ना छूट सके। चलिए फिर मिलती हूँ इस कहानी के अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।